डीएनए ट्रांसक्रिप्शन ये बहुत इम्पॉर्टेंट हेडिंग है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में जो बेसिक हेडिंग आपके इस्तेमाल में आती है वो डीएनए और आरएनए, फिर डीएनए और आरएनए के साथ होने वाले जो प्रोसेस जो प्रक्रियाएं आती हैं उनमें डीएनए रिप्लिकेशन, फिर ट्रांसक्रिप्शन और फिर ट्रांसलेशन, ये तीन महत्वपूर्ण हेडिंग हैं। और तीनों हेडिंग की अगर स्टडी करें तो हमको ये समझ में आ जाएगा कि जो पेरेंटल जनरेशन है उस पेरेंटल जनरेशन और जो फीमेल जनरेशन है जो पितर पीढ़ी है और फिर जो संतति पीढ़ी है उनमें समानता क्यों है, किस प्रकार से पितर पीढ़ी के लक्षण संतति पीढ़ी में आते हैं, किस प्रकार से कैरेक्टर्स जो हैं वो पेरेंटल जनरेशन से फीमेल जनरेशन में आते हैं, ऑफस्प्रिंग्स जो आती है वो अपने पेरेंट्स के समान क्यों होती है, ये प्रोसीजर जो है हमारे ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन से क्लियर होते हैं। ट्रांसक्रिप्शन जो होता है वो डीएनए पर जो आनुवंशिक सूचनाएं कोडेड होती है वो आनुवंशिक सूचनाएं आरएनए में स्थानांतरित हो जाती है, यानी डीएनए की आनुवंशिक सूचनाओं को आरएनए में कॉपी करना ये ट्रांसक्रिप्शन है। डीएनए पर निहित आनुवंशिक सूचनाओं को आरएनए में कॉपी करना या आरएनए के रूप में उसकी प्रतिलिपि तैयार करना यह ट्रांसक्रिप्शन है। सरल भाषा में हम ये कह सकते हैं कि डीएनए से आरएनए का निर्माण करना, डीएनए से आरएनए का निर्माण करना ये ट्रांसक्रिप्शन है। तो चूंकि डीएनए न्यूक्लियस में पाया जाता है इसलिए ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया जो है वो न्यूक्लियस में होती है, ये स्थिति मेन है। लेकिन डीएनए जो होता है वो डबल स्टैंडर्ड होता है और आरएनए जो है वो सिंगल स्टैंडर्ड होता है। तो क्या डीएनए के दोनों रज्जुक, डीएनए के दोनों स्ट्रैंड क्या ट्रांसक्रिप्शन में भाग लेते हैं या फिर डीएनए का केवल एक ही स्ट्रैंड ट्रांसक्रिप्शन में भाग लेता है? तो चूंकि ट्रांसक्रिप्शन में मैसेंजर आरएनए, आरएनए स्पेशली मैसेंजर आरएनए का निर्माण होना है और यह सिंगल स्टैंडर्ड है, इसलिए डीएनए से आरएनए के निर्माण में डीएनए के जो दो स्ट्रैंड हैं उनमें से केवल एक ही स्ट्रैंड भाग लेगा। अब यहाँ दो प्रश्न उठते हैं, क्यों नहीं डीएनए के दोनों स्ट्रैंड जो है वह आरएनए की संरचना में भाग लेते हैं, केवल डीएनए का एक ही स्ट्रैंड जो है आरएनए बनाता है, क्यों नहीं दोनों स्ट्रैंड आरएनए बनाते? तो डीएनए का, डीएनए पर जो कोडिंग है या डीएनए पर जो सीक्वेंस है या फिर जीन है वो फिर उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है आरएनए पर आ जाता, तो एक साथ एक से अधिक लक्षणों का ट्रांसफ़र हो जाता, एक साथ एक से अधिक लक्षणों की फोटोकॉपी तैयार हो जाती। तो ये एक प्रॉब्लम यहाँ उठती है, पहली प्रॉब्लम। फिर दूसरी प्रॉब्लम ये है कि डीएनए की जो दो हेलिक्स हैं, जो दो स्ट्रैंड्स हैं उनमें से कौन सा स्ट्रैंड भाग लेगा और कौन सा स्ट्रैंड भाग नहीं लेगा। और फिर तीसरी प्रॉब्लम है कि ट्रांसक्रिप्शन का डायरेक्शन क्या है, क्या ये 3' to 5' के डायरेक्शन में है, क्या ये 5' to 3' के डायरेक्शन में है, किस दिशा में है और फिर क्यों है। तो एक चीज़ जो है ट्रांसक्रिप्शन की हमेशा जो दिशा होगी वो 5' to 3' कार्बन होगी, ट्रांसक्रिप्शन की जो दिशा होगी वो हमेशा 5' to 3' होगी। दूसरे, डीएनए का जो रज्जुक
आरएनए के निर्माण में भाग लेगा वो टेम्पलेट स्ट्रैन या नॉन स्ट्रैन या नॉन कोडिंग स्ट्रैन कहलाएगा, और जो भाग नहीं लेगा वो फिर नॉन टेम्पलेट या सेंस या फिर कोडिंग स्ट्रैन कहलाएगा। ये पूरी क्रिया जो है एंजाइम उत्प्रेरित होती है, इसमें डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज का प्रयोग होता है। तो रेप्लिकेशन के क्रिया में अनेकों एंजाइम लगते हैं, लेकिन ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसीजर में, ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया में केवल एक एंजाइम लगता है, वह है डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। तो हमारा जो प्रॉब्लम था वो ये था कि क्यों नहीं डीएनए के दोनों स्ट्रैंड ट्रांसक्रिप्शन में भाग लेते, और फिर हम ये कैसे पता लगाएंगे कि जो दोनों स्ट्रैंड है उनमें से कौन सा स्ट्रैंड टेम्पलेट है, कौन सा स्ट्रैंड नॉन टेम्पलेट है। तो पहले प्रश्न के आंसर में आइए कि क्यों नहीं दोनों स्ट्रैंड डीएनए के दोनों रज्जु क्यों नहीं ट्रांसक्रिप्शन में भाग लेते। अब अगर हम मान लें कि ट्रांसक्रिप्शन में दोनों स्ट्रैंड भाग ले भी रहे, तो जो दो मैसेंजर आरएनए के स्ट्रैंड हमको मिलेंगे उस पर सीक्वेंस एक दूसरे के अपोजिट होगी। तो जब नाइट्रोजनस बेसिस का सीक्वेंस एक दूसरे के अपोजिट होगा तो फिर वो एक दूसरे से जुड़ करके डबल स्टैंडर्ड आरएनए बना लेंगे। तो फिर इससे ट्रांसफॉर्मेशन यानी प्रोटीन का जो संश्लेषण है वो जटिल हो जाएगा, फिर इसी कारण जो है डीएनए के दोनों स्ट्रैंड ट्रांसक्रिप्शन में भाग नहीं ले पाएंगे, उनमें से केवल एक ही स्ट्रैंड जो है वो ट्रांसक्रिप्शन में भाग लेगा। ये पहले प्रश्न का आंसर हुआ। दूसरा प्रश्न हमारा ये है कि हम ये कह रहे हैं कि दोनों स्ट्रैंड में से केवल एक स्ट्रैंड ही इसमें भाग लेगा, तो हम पहचानेंगे कैसे कि कौन सा स्ट्रैंड टेम्पलेट होगा और कौन सा स्ट्रैंड नॉन टेम्पलेट होगा। ठीक है, तो जो स्ट्रैंड ट्रांसक्रिप्शन में भाग नहीं लेगा उस पर कार्बन की जो दिशा होगी वो 5' to 3' होगी, 5' to 3'। अब वो 5' किधर होगा, 3' कार्बन किधर होगा। तो परिपाटी के अनुसार जो नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड होगा या जो कोडिंग स्ट्रैंड होगा उसमें 5' कार्बन लेफ्ट साइड में होगा, यानी कोडिंग स्ट्रैंड पर 5' कार्बन लेफ्ट साइड होगा और 3' कार्बन राइट साइड होगा। यानी जो स्ट्रैंड मैसेंजर आरएनए के निर्माण में भाग नहीं लेगा, यानी जिसकी सूचनाएं आरएनए पर कोडित नहीं होंगी वो नॉन टेम्पलेट या सेंस या कोडिंग स्ट्रैंड कहलाएगा। उसकी पहचान इस तरह से होगी कि उसका 5' कार्बन लेफ्ट साइड होगा, 3' कार्बन राइट साइड होगा। तो फिर टेम्पलेट स्ट्रैंड जो होगा वो 3' कार्बन लेफ्ट साइड होगा, 5' कार्बन
राइट साइड होगा, इसी से सूचनाएं ट्रांसफर होंगी मैसेंजर आरएनए पर। इसलिए मैसेंजर आरएनए का 5' कार्बन लेफ्ट साइड होगा और 3' कार्बन राइट साइड होगा। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। जब तक ये बात आपको समझ में नहीं आएगी तब तक आप ट्रांसक्रिप्शन में पूछे जाने वाले नाइट्रोजनस बेस सीक्वेंस को नहीं निकाल पाएंगे। अब इतना समझने के बाद आप ये देखिए कि जो नॉन टेम्पलेट स्टैंड का डायरेक्शन है, जो दिशा है, वही मैसेंजर आरएनए की है, तो फिर दोनों का जो नाइट्रोजनस बेस सीक्वेंस है वो भी बराबर होना चाहिए। दोनों का नाइट्रोजनस बेस सीक्वेंस वो भी बराबर होना चाहिए। तो नॉन टेम्पलेट जो स्ट्रैंड है वो डीएनए का है और ट्रांसक्रिप्ट जो स्टैंड है वो आरएनए का है। हम ये कह रहे हैं कि दोनों की दिशा सेम है, इसलिए सीक्वेंस नाइट्रोजनस बेस का जो सीक्वेंस होगा वो बराबर होगा। लेकिन डीएनए और आरएनए में नाइट्रोजनस बेस पर एक डिफरेंस है, एक अंतर है। वो अंतर ये है कि डीएनए में थायमिन होता है और आरएनए में उस थायमिन की जगह यूरैसिल होता है। डीएनए में थायमिन है लेकिन आरएनए में थायमिन के स्थान पर यूरैसिल है। ये एक मेन डिफरेंस है। तो इसका मतलब जो ट्रांसक्रिप्ट हमको आरएनए मिला उस पर सीक्वेंस हमको वही मिलेगा जो नॉन टेम्पलेट पर है। सिर्फ फर्क ये होगा कि नॉन टेम्पलेट स्टैंड पर जो थायमिन है उसके स्थान पर यूरैसिल हो जाएगा। नॉन टेम्पलेट स्टैंड पर जो थायमिन है मैसेंजर आरएनए के लिए वो यूरैसिल हो जाएगा। अब हमारा जो प्रीवियस क्वेश्चन था, सबसे पहला क्वेश्चन था, वो ये था कि फिर दोनों स्टैंड ट्रांसक्रिप्शन में क्यों नहीं भाग लेते हैं? उसका एक जवाब यहाँ भी मिलेगा कि जब मैसेंजर आरएनए और नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड पर सीक्वेंस समान हो गए तो फिर दोनों स्ट्रैंड के बीच रिपल्शन होगा। मैसेंजर आरएनए और नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड दोनों पर जब सीक्वेंस समान हो गए तो फिर एक दूसरे के बीच जो है रिपल्शन होगा, प्रतिकर्षण होगा और इसी प्रतिकर्षण का परिणाम ये होगा कि डीएनए के दोनों स्ट्रैंड ट्रांसक्रिप्शन में भाग नहीं लेंगे। पूरे ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसीजर में ये की पॉइंट है। इस की पॉइंट को आपको याद रखना पड़ेगा। अब आगे बढ़िए। हमने उदाहरण एग्जाम्पल लिया है कि यदि ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में कोडिंग स्ट्रैंड पर सीक्वेंस 5' ATGC है। ये 5'-3' है, 5'-3' तो फिर हमारा ये कोडिंग स्टैंड हुआ, हमारा कोडिंग स्टैंड हुआ। तो टेम्पलेट स्टैंड जो होगा वो 3'-5' होगा, 3'-5' होगा और हमको
ATGC के जगह TACG मिलेगा। ठीक है, तो फिर ये जो हमारा सब्सक्राइब्ड आरएनए मिलेगा, ट्रांसक्रिप्ट आरएनए जो मिलेगा, वो टी के स्थान पर टी का ए के साथ, यानी टी के साथ एडेनिन, फिर एडेनिन के साथ थायमिन, लेकिन ये आरएनए है इसलिए थायमिन के स्थान पर यूरैसिल, साइटोसिन के साथ गवानिन, गवानिन के साथ साइटोसिन। तो हमको 5' to 3' डायरेक्शन में AUGC सीक्वेंस मिला। तो आप देखें जो कोडिंग स्ट्रैंड है और जो मैसेंजर आरएनए पर सीक्वेंस है, दोनों सीक्वेंस सेम है। फर्क सिर्फ यही है कि चूंकि नॉन टेम्पलेट या कोडिंग स्ट्रैंड डीएनए का है, इसलिए उस पर एडेनिन, थायमिन, गवानिन और साइटोसिन है, लेकिन जो ट्रांसक्रिप्ट मैसेंजर आरएनए है, चूंकि आरएनए है इसलिए थायमिन के स्थान पर यूरैसिल होगा। तो फिर हमारा रिजल्ट जो आया वो ये आया कि मैसेंजर आरएनए पर जो सीक्वेंस होगा वो कोडिंग या नॉन टेम्पलेट के सीक्वेंस के समान होगा। सिर्फ अंतर ये होगा, डिफरेंस ये होगा कि मैसेंजर आरएनए पर थायमिन नहीं आएगा, थायमिन के स्थान पर यूरैसिल आएगा, थायमिन के स्थान पर यूरैसिल आएगा। अब एक हेडिंग मिलती है, इसमें बार बार पूछा भी जाता है क्वेश्चन में, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट्स या अनुलेखन इकाई। तो तीन अनुलेखन इकाई मिलते हैं, प्रोमोटर और टर्मिनेटर और तीसरा स्ट्रक्चरल जीन, संरचनात्मक जीन। तो प्रोमोटर क्या है? तो प्रोमोटर डीएनए का वो छोटा सा पीस है जिस पर उपस्थित सूचनाएं आरएनए पर ट्रांसक्रिप्ट हो जाती है, उन्हीं की फोटोकॉपी उस पर बनती है। ये वो पॉइंट है जहाँ की मैसेंजर आरएनए पॉलीमरेज जो है फिट होता है। ये आरएनए पॉलीमरेज सिग्मा फैक्टर के थ्रू यहाँ फिट होगा और फिर ये इनिशिएशन पॉइंट बनाएगा, समारंभ बिंदु बनाएगा किसका? ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस का। अनुलेखन की प्रक्रिया यहीं से फिर प्रारंभ होगी। तो ये आप देखें, ये 3' to 5' है, ये टेम्पलेट स्ट्रैंड होगा। 5 प्राइम हमारा लेफ्ट साइड में है, 3 प्राइम हमारा राइट साइड में है, तो ये नॉन टेम्पलेट होगा। तो टेम्पलेट पर ये स्थान जो जहाँ से हमारा ट्रांसक्रिप्शन आरंभ होगा वो प्रमोटर होगा, यही रिकॉग्निशन साइट मिलेगा आरएनए पॉलीमरेज के लिए। इसको आप यहाँ डीएनए के हेलिक्स में यहाँ देख सकते हैं। ये अगले में टर्मिनेटर वो पॉइंट है जहाँ ट्रांसक्रिप्शन समाप्त हो जाता है, इसी पॉइंट पर जाकर के हमारा मैसेंजर आरएनए जो है न्यू बॉर्न आरएनए, नवजात आरएनए प्राप्त हो जाता है, जहाँ डीएनए से आनुवंशिक सूचनाओं का आरएनए पर ट्रांसफर पूरा हो जाता है। तो ये 5' जो है लेफ्ट साइड में है, 3' जो हमारा राइट साइड में है, तो ये नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड हुआ। ये 3' to 5', ये टेम्पलेट स्ट्रैंड हो गया, ये प्रोमोटर हो गया, ये वो पॉइंट है जहाँ की ट्रांसक्रिप्शन कंप्लीट होगा, इसलिए ये टर्मिनेटर कहलाएगा। ये डीएनए की संरचना में स्पष्ट है।
पे संरचनात्मक जीन है, संरचनात्मक जीन स्ट्रक्चरल जीन डीएनए पर कोडित, तो वो कोड हैं, सीक्वेंस हैं जो ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया में मैसेंजर आरएनए को मिलते हैं। मैसेंजर आरएनए को ये स्ट्रक्चरल जीन का यहाँ मतलब होगा। तो अब ये ट्रांसक्रिप्शन किस तरह से होता है, तो ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया में कई पॉइंट आते हैं। एक पॉइंट तो पहले डीएनए हेलिक्स का पृथक्करण, अनजिपिंग या अनवाइंडिंग होगा। ये आप रिप्लिकेशन में पढ़े हुए हैं, तो जो रिप्लिकेशन का प्रोसीजर है वो इस फर्स्ट पॉइंट में आएगा, जहाँ की दोनों रज्जु के एक दूसरे से पृथक होंगे। फिर दूसरे पॉइंट में है, ये इनिशिएशन पॉइंट है। इस इनिशिएशन पॉइंट में सिग्मा फैक्टर के द्वारा आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो है वो प्रोमोटर पर लग जाता है, ये इनिशिएशन पॉइंट है। और फिर उसके बाद जो है आरएनए प्राइम पॉलीमरेज, ये डीएनए बेस्ड आरएनए पॉलीमरेज है, वो टेम्पलेट से स्टैंड पर 3' to 5' की दिशा में आगे बढ़ता है। मैसेंजर आरएनए जो है वो 5' to 3' की दिशा में निर्मित होगा। आरएनए पॉलीमरेज टर्मिनेटर पर पहुंच करके पृथक हो जाएगा। यहाँ पृथक्करण एक फैक्टर के द्वारा होगा, वो रो फैक्टर कहलाता है। इस तरह से मैसेंजर आरएनए का निर्माण हो जाएगा। आप इन डायग्राम्स में देखिए, ये पहला डायग्राम है हमारा, ये डीएनए का स्ट्रक्चर है, ये डीएनए स्ट्रक्चर है जो आप इसके पहले पढ़ चुके जान चुके हैं। फिर उसके बाद दूसरी प्रक्रिया, ये इनिशिएशन पॉइंट है। तो इनिशिएशन पॉइंट ये दूसरी प्रक्रिया जो है इलॉन्गेशन और तीसरी प्रक्रिया जो है हमारी आती है वो टर्मिनेशन। यानी पूरी प्रक्रिया, पूरा प्रोसीजर, पूरा ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसीजर तीन भागों में बटा हुआ है, एक इनिशिएशन पॉइंट, एक इलॉन्गेशन पॉइंट और एक टर्मिनेशन पॉइंट। तो पहले प्रोमोटर के द्वारा जो है आरएनए पॉलीमरेज सिग्मा फैक्टर के थ्रू एडजस्ट होगा, किस पर, टेम्पलेट पर, टेम्पलेट स्टैंड पर, ठीक है। और फिर उसके बाद यहाँ मैं उस पर ये प्रोमोटर से आगे की ओर बढ़ेगा, जिससे मैसेंजर आरएनए का ट्रांसक्रिप्शन प्रारंभ हो जाएगा। यानी उस छोटे से डीएनए खंड से सूचनाएं जो हैं मैसेंजर आरएनए को प्राप्त होना शुरू हो जाएगी। फिर जैसे ही वो टर्मिनेटर पॉइंट पर पहुंचेगा, रो फैक्टर के द्वारा वो यहाँ से आरएनए पॉलीमरेज डीएनए बेस्ड आरएनए पॉलीमरेज पृथक हो जाएगा, जिससे एक नया आरएनए का निर्माण हो जाएगा। अब पूरे ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया हो जाएगी। तो ये आधार था ट्रांसक्रिप्शन का, जिस पर हम विभिन्न प्रश्नों के उत्तर देंगे। विभिन्न प्रश्नों के उत्तर अब दिए जाएंगे। अब उन प्रश्नों को आप देखें। पहला क्वेश्चन है, द जीन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन इन एन ऑर्गेनिज्म थ्रू रेगुलेशन ऑन, ये किसके थ्रू चलेगा, क्या ये प्रक्रिया ट्रांसलोकेशन कहलाएगी, क्या ये प्रक्रिया ट्रांसफॉर्मेशन ही केवल कहलाएगी, या फिर ट्रांसडक्शन इन ट्रांसलेशन, या फिर ट्रांसक्रिप्शन इन ट्रांसलेशन। तो जो जेनेटिक सूचनाएं हैं वो फिर ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन के द्वारा ट्रांसफ़र होती हैं, इसलिए डी ऑप्शन सही होगा। द प्रोसेस बाय विच मैसेंजर आरएनए इज मेड बाय डीएनए
जो मैसेंजर आरएनए डीएनए के द्वारा बनता है जिस प्रक्रिया में, एंड प्रोटीन बाय मैसेंजर आरएनए आर रेस्पेक्टिवली कॉल्ड। तो मैसेंजर आरएनए का निर्माण और फिर प्रोटीन का निर्माण अमीनो एसिड से, तो मैसेंजर आरएनए का निर्माण डीएनए से, ये ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है, और प्रोटीन की सिंथेसिस ये ट्रांसलेशन कहलाता है। इसलिए आपका ऑप्शन ये सही होगा। फिर सिंथेसिस ऑफ मैसेंजर आरएनए फ्रॉम डीएनए, डीएनए से मैसेंजर आरएनए की का निर्माण, ये ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। ऑप्शन बी सही होगा। द प्रोसेस बाय विच डीएनए ऑफ द न्यूक्लियस पासेस जेनेटिक इंफॉर्मेशन टू द मैसेंजर आरएनए इज कॉल्ड, ये ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। डीएनए से सूचनाएं जो है आरएनए को ट्रांसफ़र होती है न्यूक्लियस में, ये प्रक्रिया ट्रांसक्रिप्शन कहलाती है। अगले क्वेश्चन में, ट्रांसक्रिप्शन इज द ट्रांसफ़र ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए टू मैसेंजर आरएनए, ये ऑप्शन। ट्रांसक्रिप्शन रिक्वायर्स ट्रांसफ़र आरएनए, रिक्वायर्स राइबोसोम, प्रोड्यूसेस ओनली मैसेंजर आरएनए, प्रोड्यूसेस आरएनए ग्रोइंग फ्रॉम 5' एंड टू 3' एंड। देखिए ऑप्शन जो है एक दूसरे से ऐसे मिलते जुलते हैं जिसे एक दूसरे सब सही प्रदर्शित होते हैं, लेकिन एक ऑप्शन दूसरे ऑप्शन से थोड़ा आगे बढ़ जाता है। अब ऑप्शन सी में देखिए, प्रोड्यूस इज ओनली मैसेंजर आरएनए, बात सही है। ऑप्शन डी में देखिए, प्रोड्यूस इज आरएनए ग्रोइंग फ्रॉम 5' टू 3' एंड। तो ये सी का भी पोर्शन इसमें है और उससे आगे भी बात बढ़ जाती है। तो प्रोड्यूसेस आरएनए, ये मैसेंजर आरएनए फ्रॉम 5' एंड टू 3' एंड में, अब यहाँ आरएनए जो है वो मैसेंजर है, राइबोसोमल है या ट्रांसफ़र आरएनए इसकी बात नहीं है, ये क्लियर यहाँ नहीं है, इसलिए ऑप्शन आपका सी सही होगा। फिर 96 में, ट्रांसक्रिप्शन इन्वॉल्व्स ट्रांसफ़र ऑफ द जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए मॉलिक्यूल टू, डीएनए से आरएनए में ये ट्रांसफ़र होता है। ट्रांसक्रिप्शन टेक्स प्लेस इन न्यूक्लियस और ट्रांसक्रिप्शनल कंट्रोल इन यूकैरियोट्स में इन्वॉल्व चेंज, ये क्रोमैटिन नेटवर्क पर हमारा क्वेश्चन है। तो क्रोमैटिन स्ट्रक्चर भी हो सकता है, अमाउंट ऑफ क्रोमैटिन भी हो सकता है, इसलिए ऑप्शन बोथ ए एंड बी होगा। विच वन इज मोस्टली ट्रांसक्राइब्ड, ओनली आरएनए सीक्वेंस, सिंगल कॉपी ऑफ डीएनए सीक्वेंस, हाईली रिपीटेटिव डीएनए सीक्वेंस, मिडिल रिपीटेटिव। तो जो ट्रांसक्राइब्ड होगा वो विच वन इज मोस्टली ट्रांसक्राइब्ड होगा, वो सिंगल कॉपी ऑफ डीएनए सीक्वेंस का ट्रांसक्रिप्शन होगा आरएनए पर, इसलिए बी ऑप्शन से होगा। अगला, ट्रांसक्रिप्शन रिक्वायर्स विच ऑफ दीज इंजाइम, इसमें से ट्रांसक्रिप्शन में डीएनए बेस्ड आरएनए पॉलीमरेज का प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन है, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट्स स्टार्ट्स विथ टाटा बॉक्स CAAT रीजन पैलिंड्रोम्स एंड प्रोमोटर रीजन एंड्स इन टर्मिनेटर रीजन। तो ये प्रोमोटर रीजन से स्टार्ट होता है और टर्मिनेटर रीजन पर समाप्त हो जाता है। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन है, ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन द डीएनए साइट एट विच आरएनए पॉलीमरेज पॉइंट्स
इस कॉल, जहाँ आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम लगता है वो प्रोमोटर कहलाता है। ये प्रोमोटर साइड ऑन डीएनए, ये जो होगा ट्रांसक्राइब रिप्रेशर रेगुलेट टर्मिनेट इनिशिएट ट्रांसक्रिप्शन, यहीं से ट्रांसक्रिप्शन प्रारंभ होता है। फिर विच कंजर्व मोटिव्स आर फाउंड इन एस्टेरिशिया कोलाई जीन इज दी टाटा बॉक्स, ये ऑप्शन होगा। फिर उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रिबनोव बॉक्स, ये आपके एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन ये इसमें आ गया है, तो फिर इसका आंसर ये होगा। फिर अगला ट्रांसक्रिप्शन ऑफ डीएनए इज एडेड बाय, ये किससे शुरू होता है, इसमें सहायक कौन होता है, तो डीएनए बेस्ड आरएनए पॉलीमरेज। फिर आरएनए पॉलीमरेज कंटेन्स मल्टीपल पॉलीपेप्टाइड यूनिट्स फॉर इनिशिएटिंग आरएनए सिंथेसिस, इट रिक्वायर्स द इनिशिएशन के लिए ये सिग्मा सब यूनिट का रिक्वायरमेंट आता है, यहाँ सिग्मा सब यूनिट रिक्वायर होगी। ये बी ऑप्शन आपका यहाँ करके सही होगा, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी यहाँ सही होगा। ये निशान नहीं लग पा रहा है, ये ऑप्शन बी सही है। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट सिंथेसाइज आरएनए, कौन जो है आरएनए का निर्माण नहीं करता, तो ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, ये अगर रिवर्स न होता तो आरएनए बनता, रिवर्स हो जाएगा तो नहीं बनेगा। कोड्स ऑफ मैसेंजर आरएनए एंड प्रोटीन्स आर लीनियर कोलीनियर, एक ही सम एक ही होते। आफ्टर ए म्यूटेशन एट ए जेनेटिक लोकस, म्यूटेशन ऑफ जेनेटिक लोकस जहाँ जीन उपस्थित होते, the character of an organism changes due to the change in protein structure, DNA replication, DNA transcription pattern change होगा तभी character of an organism change होगा। फिर in a given DNA segment ATG A CC A double G A double C A A C A, the first base gets mutated, the effect of this on coding by this DNA segment will result in complete change in the type as well as the sequence of amino acid। Next one is change in first amino acid only, केवल first amino acid के change होगा। अगला वाट विल बी द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड इन मैसेंजर आरएनए इफ डीएनए हैव ए डबल टी, डीएनए का है ये ए डबल टी डबल जी सी, तो फिर हमको इससे मिलेगा, ये तो हो गया कोडिंग स्टाइल नॉन, ये हो गया नॉन टेम्पलेट, ये टेम्पलेट स्टाइल, फिर हम नॉन कोडेड वो नॉन टेम्पलेट स्टाइल निकालें तो ये हो जाएगा टी, ये हो जाएगा डबल ए, ये डबल सी डबल जी, इसी से मैसेंजर आरएनए मिलेगा आपका U A A C C G, तो इस तरह से हमारा ऑप्शन डी सही होगा। फिर ए डी एन ए स्ट्रैंड विथ नाइट्रोजनस बेस सीक्वेंस
AGCC will have, तो इसी तरह से इसको भी कन्वर्ट करेंगे तो A से मिलेगा हमको T और T से मिलेगा ये, इसको देखें नाइट्रोजन स्पेस जो मिल रहा है हमको वो ATTGCC, तो इससे मिलेगा हमारा नॉन टेम्पलेट मिलेगा TAACGG, तो हमारा मैसेंजर आरएन मिल जाएगा यू और बाकी सब यही रहेगा, तो UAA ये UAACGG ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही होगा। फिर अगले क्वेश्चन में आएंगे, ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन इफ द न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस आर DNA स्ट्रैंड दैट इज बीइंग कोडेड, DNA स्ट्रैंड है ATACG, मैसेंजर के क्या होगा, तो इसका हो जाएगा नॉन टेम्पलेट TATCC, तो मैसेंजर हो जाएगा UAUCC, ये CG, तो ये हो जाएगा GC, ये हो जाएगा GC, तो UAUGC ये ऑप्शन ए से। The DNA chain acting as template for RNA synthesis, तो template जो है वो ये है, template इसका ये है, तो non template हो जाएगा TCGAAGCT, तो फिर मैसेंजर, तो मैसेंजर में ये हो जाएगा UCG, फिर AA UCG AA GCU, ये ऑप्शन सी सही होगा। फिर उसके बाद कभी कभी आंसर को शॉर्ट कर ले लेते हैं, यू लास्ट में भी रहेगा यू शुरू में भी रहेगा, तो जिस ऑप्शन में ये हो वो सही रहेगा, तो सी। उसके बाद अगला, इफ द सीक्वेंस ऑफ बेस इज DNA ये है, तो अब ए की जगह टी हो जाएगा, टी की जगह यू, UAA मिलेगा, UAA ये सिर्फ आपको ऑप्शन में ए है इसलिए सेवा। फिर ए रीजन ऑफ DNA टेम्पलेट स्ट्रैंड, टेम्पलेट स्ट्रैंड हैज द सीक्वेंस ये टेम्पलेट का है, तो नॉन टेम्पलेट क्या हो जाएगा, नॉन टेम्पलेट हो जाएगा TAA, तो फिर मैसेंजर आ जाएगा UAA, ये ऑप्शन सी। फिर अगला क्वेश्चन, द सीक्वेंस ऑफ नाइट्रोजन स्पीसीज इन अ पोर्शन ऑफ ए कोडिंग सेगमेंट ऑफ DNA, कोडिंग सेगमेंट ऑफ DNA ये है, ये कोडिंग सेगमेंट ऑफ DNA है, तो फिर मैसेंजर RNA में ये मिलेगा, टी की जगह यू हो जाएगा, टी की जगह यू हो जाएगा, AAU आपका कोई ऑप्शन इसमें नहीं है, तो आप इस क्वेश्चन ये रॉन्ग हो जाता है, ये हो जाएगा कोडिंग की जगह नॉन कोडिंग कर लीजिए, नॉन कोडिंग, तो अब ये हो जाएगा TA, तो UUA हो जाएगा, UUA ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन,
the sequence of nitrogen bases in a particular region of the monocoding strand of a DNA molecule to be CAT, GTT, TAT, CGC. What would be the sequence of nitrogen bases in messenger RNA? ये है नॉन कोडिंग स्ट्रैंड है, ये यानी टेम्पलेट स्ट्रैंड है ये, तो नॉन टेम्पलेट का हो जाएगा जी टी ए, तो फिर मैसेंजर का हो जाएगा जी यू ए, तो जी यू ए आपका सिर्फ डी में है इसलिए डी ऑप्शन आपका सही है। फिर ये 124 में इफ द सीक्वेंस ऑफ बेसिस इन डीएनए इज टीएजी, ये टेम्पलेट है तो नॉन टेम्पलेट का हो जाएगा ये ए टी सी जी, तो फिर मैसेंजर हो जाएगा ए यू सी जी, ए यू सी जी, तो ऑप्शन डी सही होगा, बी सही होगा। अगला, द प्लेस वेयर आर एन ए पॉलीमरेज अटैचेस विद द डीएनए इज प्रोमोटर साइट। नेक्स्ट क्वेश्चन में विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में प्रोमोटर, टर्मिनेटर और तीसरा स्ट्रक्चरल जीन होता है, ये तीन चीज़ होता है, इसके अलावा कुछ नहीं, तो इंड्यूसर ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला, इफ वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए हैज द नाइट्रोजनस बेस सीक्वेंस एटीजी, तो कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए स्ट्रैंड क्या होगा, तो ए की जगह टी, टी की जगह ए, तो हमारा मैसेंजर आरएनए हो जाएगा यू ए, तो यू ए जिसमें मिलेगा वो हमारा ऑप्शन बी सही होगा। ये अगला क्वेश्चन बढ़े, ये है हमको आइडेंटिफाई करना है ए बी सी डी, तो ए तो प्रमोटर हुआ और बी जो हो गया हमारा टेम्पलेट हो गया और सी जो हो गया वो कोडिंग हो गया, यानी नॉन टेम्पलेट हो गया और डी टर्मिनेटर हो गया, ए जो हो गया हमारा प्रोमोटर हो गया। आप देखिए ए और डी दोनों में ही है, ठीक है, और डी जो हो गया हमारा टर्मिनेटर हो गया, ये सब में है। फाइव प्राइम टू थ्री प्राइम जो है ये कोडिंग स्टैंड हो गया, यानी सी जो है वो कोडिंग स्टैंड हो गया, कोडिंग यानी नॉन टेम्पलेट स्टैंड हो गया और डिटर्मिनेट, इस तरह से ऑप्शन डी सही होगा। उसके बाद ए ट्रांसक्रिप्शन यूनिट इन डीएनए इज बेसिकली कंपोज्ड ऑफ प्रोमोटर, स्ट्रक्चरल जीन एंड टर्मिनेटर, ये तीन, तो इसलिए हमारा ये ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन में देखिए, वाई बोथ द स्ट्रैंड्स ऑफ ए डबल स्टैंडर्ड डीएनए डू नॉट एक्ट एज टेम्पलेट ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन, ये हमारा क्वेश्चन उठा था एक्सप्लेनेशन में, वही क्वेश्चन यहाँ है, तो इसमें कभी कभी आंसर में मोर देन वन ऑप्शन इज करेक्ट होता है, तो जो अंदाजा रहता है ऐसे ऑप्शन सही माने जाते हैं, फिर भी आपके आंसर को हम चेक कर लेते हैं, हमारा ऑप्शन बिना कुछ पढ़े डी सही होना चाहिए, लेकिन फिर भी हम इसको पढ़ लेते हैं। वन डीएनए सेगमेंट वुड बी कोडिंग फॉर टू डिफरेंट प्रोटीन्स, वन डीएनए सेगमेंट वुड बी कोडिंग फॉर टू डिफरेंट प्रोटीन्स विच वुड कॉम्प्लिकेट द जेनेटिक इंफॉर्मेशन ट्रांसफर मशीनरी, टू आर एन ए मालिक्यूल्स इफ प्रोड्यूस
would form double stranded ABCA. RNA polymerase move in one direction only along the double stranded. तो मोर देन वन ऑप्शन हमारा सही हो गया. फिर उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू डब्ल्यू आर टी का मतलब विथ रिस्पेक्ट टू ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के बारे में कौन सी चीज इनकरेक्ट है. द टर्मिनेटर इज लोकेटेड टूअर्ड्स थ्री एंड ये सही है डाउन स्ट्रीम पर. The promoter ये आप स्ट्रीम पर ये भी सही है. Apart from promoter and terminator, additional regulatory sequence are absent. ये भी सही है. और फिर ए ट्रांसक्रिप्शन यूनिट इज अ लेंथ ऑफ डबल स्ट्रैंडेड. ये हमारा गलत है. तो ऑप्शन डी हमारा गलत है. 77 में हमको ए बी सी पहचानना है. तो ए तो हमारा सिग्मा फैक्टर हो गया. तो सिग्मा फैक्टर हमारा सी और डी दोनों में है. तो दोनों में से कोई एक आएगा. फिर बी जो है बी ये न्यूली फॉर्म्ड या ट्रांसक्राइब्ड आरएनए है. बी जो है वो नेसेंट आस गया आरएनए. ये बिल्कुल सही होगा. तो अगला हम पढ़ रहे बगैर ऑप्शन डी को सही मानेंगे. इससे टाइम बचेगा. अगला 83 पर आइए. 83 पर एग्जॉन है इंट्रॉन है जेनेटिक आरएनए देखे. ये तो सबके लिए फर्स्ट है. फिर डी नॉन जेनेटिक आरएनए. नॉन जेनेटिक आरएनए जो है वो यूकैरियोट्स में मिलते हैं वो नॉन जेनेटिक है. तो डी के लिए हमारा थर्ड. तो डी के लिए थर्ड हो गया. तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन बी सही है. फिर अगले क्वेश्चन में ट्रांसक्रिप्शन एज वेल एज रिप्लिकेशन 5' to 3' डायरेक्शन. ये हमारा ऑप्शन ए है. गिवन बिलो इज ए स्ट्रेच ऑफ नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड ऑफ डबल स्ट्रैंडेड. ये है तो व्हाट विल बी द बेस सीक्वेंस ऑफ द प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट. मैसेंजर का क्या होगा. सब चीज़ ये होगा. टी के स्थान पर यू हो जाए. तो जहाँ जहाँ टी है वहाँ वहाँ यू. तो हमारा ऑप्शन बी से होगा. उसके बाद देयर इज और डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज 1, 2, 3 सिंगल स्ट्रैंडेड there is single DNA dependent RNA polymerase which catalyzes all types of RNA in bacteria. Achha. A particular triplet of bases in the template strand DNA is itna hai. To non-template ho jayega T, C aur A. To T ke sthan par U. सी ए होगा. यू सी ए. ये 5' to 3' होना चाहिए. ये टेम्पलेट है 5' to ये नॉन टेम्पलेट होगा. ये 5' to 3' है. 5' to 3' तो एक ये स्थान का ये नॉन टेम्पलेट हुआ. जबकि क्वेश्चन में ये टेम्पलेट दिया हुआ है तो फिर फाइव उसी हिसाब से हम आंसर बजाएंगे. तो ए के स्थान पर टी, टी के स्थान पर यू आएगा. फिर यू, फिर सी ए, फिर ए. ये बी मिलेगा 3' to 5'. ये क्वेश्चन में गलत है. आंसर फिर गलत ही होगा. लेकिन ऐसे क्वेश्चन को हमको टच कर लेना चाहिए. फिर अगला आरएनए पॉलीमरेज बाइंड्स टू किसको. प्रोमोटर टू इनिशिएटर के बाइंड्स टू प्रोमोटर. ट्रांसक्रिप्शन यूटिलाइजेस एज सबस्ट्रेट एंड पॉलीमराइजेस इन ए डीएनए डिपेंडेंट मैनर. क्या अब यहाँ ऑप्शन देखिए कौन सा. राइबो न्यूक्लियोसाइड बात सही है. ट्राई फॉस्फेट ये भी फिर सही है. और फिर डी
इन ए टेम्पलेट डिपेंडेंट मैनर फॉलोइंग रूल। तो हमारा ऑप्शन ये है राइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट टेम्पलेट डिपेंडेंट, डी आंसर हमारा सही है। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन, दी ओपनिंग ऑफ डबल हेलिक्स ऑफ ए डबल स्ट्रैंड डीएनए ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन इज परफॉर्म्ड बाय विच सब यूनिट सिग्मा। तो सी हमारा आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टर्मिनेशन, रो फैक्टर। फिर उसके बाद ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन विद करेक्ट प्रमोटर बाइंडिंग रिक्वायर सिग्मा फैक्टर, टर्मिनेटर के लिए फिर रो हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, इसमें से कौन इनकरेक्ट है। इन प्रोकैरियोट्स कॉमनली द ट्रांसलेशन बिगिन मच बिफोर, ये बात सही है। इन प्रोकैरियोट द ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन ऑफ द सेम, ये भी सही है। इन प्रोकैरियोट ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन, ये सही है। इन यूकेरिया ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन अकर साइमल्टेनियसली, ये इनकरेक्ट वन। इस तरह से आपका सारे क्वेश्चंस।